अनदर व्लॉग। आज हम लोग जाएंगे अपने गांव, तो कपड़ा रेडी हो चुका है, चलते हैं, तैयार होते हैं और निकलते हैं यहां से। हम रुके हैं यहां पर ढाबे पर, यहां पर नाश्ता पानी करेंगे फिर निकलेंगे यहां से। चलिए अब हम लोग निकल गए हैं इधर, छोटा सा ये इधर ये कब्रिस्तान भी है और किसी को यहाँ का जंगल भी कहते हैं। ये इस तरह से गांव का कुछ व्यू, ये पूरी जगह जहाँ हम लोग पहले मैच खेलते थे, कंडे बनाने काम आती है, जो कि बहुत सारे पेड़ अब यहाँ लगा दिए गए हैं। दोस्तों दरवन झील पूरी देखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्यों, कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलोगे तो चले चलो। अब हम लोग यहाँ से इधर, ये इधर पीछे दरवन झील है जो कि नेक्स्ट पार्ट में या इसी में आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये सीधा रास्ता जाता है आगे झील की तरफ, ये मेन रास्ता है, यहाँ से हम लोग घूमेंगे और ये सीधा रास्ता बिल्कुल झील पास लेकर जाएगा हमें। एक रास्ता और है जो गांव से सीधा झील की तरफ आ। दोस्तों ये है इस झील का मैप जो कि अभी ये सब लगाया गया है, यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, इसे बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा। ये फील्ड मैप तैयार किया गया है इस झील का, देख सकते हैं आप इसे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ घास फूस जलकुंभी ये सब बहुत दिख रही है, लेकिन अभी इसकी सफाई होगी। आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड में जैसा कि दिया गया था, सौंदर्यीकरण का कार्य स्टार्ट होगा अब यहाँ पर और पानी भी इसमें भरा जाएगा और ये सब जितनी भी जलकुंभी और ये घास फूस है इन सब की सफाई होगी। सामने झोपड़ी में कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने मछलियों को पाला है अभी, और मछलियों का चारा और जो दवा वगैरह जो कुछ भी डाली जाती है उनके लिए, वो सब सामने उसी झोपड़ी में ये लोग रखते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें मछली पाली गई है और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पर नेट लगा रखी है, ये लोग यहीं सामने उसी में रहते हैं, अपना खाते पीते हैं और इसकी देखभाल भी करते हैं कि कोई यहाँ से मछली चुरा ना पाए। और इस तरफ से ये आने का रास्ता, ये ब्रिज, इस ब्रिज से आप उस तरफ से इधर आएंगे अगर आप गांव की तरफ से आ रहे हैं, वरना सामने से वो रोड लगती है जिधर से अभी हम आए हैं। अगर आप गांव में पैदल आ रहे हैं तो आप ये यहाँ से सीधे जंगल के बगल से रास्ता आया हुआ है, आप यहां से सीधा इधर आएंगे और इसके ऊपर से ये लोहे का ब्रिज बनाया गया, इसके ऊपर से आप सीधा इधर आएंगे। हाँ ये देखिए कैसे जाना इस ब्रिज से उस पार, ये दिखाएगा अभी, और बीच में टूट जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। है गहरा है कि किनारे ये क्या ही थे, खाई टाइप में खोद रखी है कि कोई इस तरफ ना आ सके। ये आप यहाँ मछली देख सकते हैं कैसे मछली यहाँ पर, मछली है मेंढक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मछलियाँ कैसे कूद रही हैं पानी में, खेल रही हैं। ये मछली दिख रही होगी आपको, ये नेट लगा रखी है इन लोगों ने यहाँ पर, ये मछलियाँ जो बिल्कुल साफ दिख रही हैं, ये इस तरह से ये मछलियाँ हैं यहाँ पर। अरे
अंडा यहाँ पे अंडा पहले होगा कोई काम कुछ होता पानी के अंदर मोबाइल तुम लोग का काम नहीं करते हैं चुप रहो वरना मछलियाँ सब पीछे चली जाएगी। ये भाई अपना यहाँ पर रहता है इससे पूछते हैं ये अंडा इसमें क्यों डाला जाता है भैया बताएंगे आप। अच्छा ये जाल क्यों लगाया गया है ऊपर और ये जाल लगाया गया है ये जो नेट लगी है इसके ऊपर ये चिड़िया से क्या कहते हैं मछलियों को बचाने के लिए लगाई गई है। तो ये चिड़िया से बचाने के लिए लगाई गई है ये नेट ऊपर। ये झील पानी थोड़ा थोड़ा क्या बहुत कम हो चुका है। और बहुत जल्दी ये क्या कहते हैं यहाँ पर बर्ड सेंचुरी बनने वाली है। अभी इसकी साफ सफाई होगी। दोस्तों सामने है पैडल वाली बोट अब इस पर हम लोग जाएंगे यहाँ से थोड़ी देर घूमते हैं यहाँ पर इस बोट से। ये देखिए कैसे यहाँ पर ये लोग यहाँ से कूद के उस तरफ जाते हैं और ये यहाँ पर कोशिश करते हुए हम दौड़ के देखते हैं इनका क्या होता है। चलो कूदो बच गया। तकरीबन ये कम से कम 6 फुट की गैप है इसके बीच में 6 फुट का गैप है लगभग। देखते हैं अब ये भी यहाँ पर कूदने जा रहा है। ये हम कहाँ जाएंगे अब इसकी बारी है। ये देखते हैं ये कूद पाता है या नहीं। चलो इधर लेके आओ इधर ये नाव वाले भैया हैं ये यहाँ पर नाव चलाते हैं ये लोग। ये हो गए वो भैया दोनों यहाँ पर दोनों भाई हैं दोनों यहाँ पर नाव चलाते हैं हम लोगों को ये लोग लेके जाएंगे घुमाने। ये देखिए तो अपनी नाव आ गई है चलते बैठते हैं। आ गए भैया बोट पे चलिए इंजॉय करते हैं झील में। अभी ये वैसे बहुत साफ नहीं है लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ सब साफ सफाई सब हो जाएगी क्योंकि वर्क यहाँ स्टार्ट हो चुका है। उधर नहीं साफ पानी में किधर है साफ। चलिए भाई के साथ हम लोग चलते हैं साफ पानी में। साफ पानी किधर है भैया उस तरफ चलो उस तरफ चलते हैं। भाई उस तरफ बता रहा है उधर चलते हैं। तारीफ कैसा लग रहा है झील में आके नहीं लग रहा। मजा आ रही है लेकिन धूप बहुत है दूसरा वाला छाता ले लेते। वैसे थोड़े टाइम बाद ये टूरिस्ट प्लेस हो जाएगी क्योंकि जब यहाँ बर्ड सेंचुरी बन जाएगी तो लोग यहाँ पर आएंगे इसे देखने क्योंकि ये झील बहुत ही दूर तक फैली हुई है। वो देखिए हमारी दूसरी टीम अभी उस तरफ जा रही है दूसरी टीम हमारी उस तरफ गई है। हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं व्यू को। उस तरफ भैया उस तरफ ले चलो सीधे सामने।
दोस्तों झील में हम इंजॉय करते हुए थोड़ा सा पानी देखते हैं। ये कीड़ा दिखाओ, कीड़ा। ये लोग यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे वापस अब दूसरी बोट से। ये अपना यहाँ दूसरा ग्रुप है, ये लोग भी आए हैं साथ में झील में। आइए आप लोगों को यहाँ पर मछलियाँ दिखाते हैं। भैया दिखाओ तो। ये इसके अंदर यहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं, ये लोग यहाँ पर मछलियाँ मार के इसमें रख देते हैं। ये देखिए इसके अंदर मछली है, ये पकड़ के देखो, ये इसके अंदर मछलियाँ हैं। हाथ में नहीं पकड़ोगे? पैर से। और थोड़ा सा अच्छा उठाऊं? पूरी जा रही है। ये देखो यहाँ पर इसमें मछलियाँ रखी हैं इन लोगों ने। ये अब हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे और इससे जाएंगे। हम लोग भी जा रहे हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी खटपटिया बोट पर, अब इससे जाएंगे हम वापस। चलिए थोड़ी देर अब घूमते हैं झील में इससे और उसके बाद निकल जाएंगे घर। भाई यहाँ झील में बोट से बहुत मज़ा आ रही है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। दोस्तों अगर आप भी यहां विज़िट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां की लोकेशन को देख सकते हैं और यहां पर विज़िट ज़रूर करें।
तो दोस्तों चलो अपनी इस ट्रिप को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत मज़ा आई। मैं आमिर भाई के हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतनी चिलकती धूप में हमें नाव से इस इतनी बड़ी झील में घुमाया है। और ये उनके दूसरे भाई जिन्होंने पहले हमें वो पैडल वाली बोट से घुमाया। तो कब तक ये सब साफ सफाई कब तक हो जाएगी, साल भर में? तो दोस्तों अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। ब्लॉग में मैं ही रहूँगा, जगह कोई और होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।